हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड वंदना। तो गाइज, आपने पिछले संडे देखा ना, मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी, और इस संडे, अभी संडे है, आज है, तो मैं इस संडे घर आ गई, मतलब कल रात को घर आ गई थी। और मैंने कहा कि इस संडे भी बर्बाद नहीं करना, इस संडे भी घूमने चलते हैं। तो इस संडे हम लेके जाएंगे अपने मम्मी को घुमाने। तो या कल मैं आई और कल आज वापस वहीं पर जा रही हूँ, ठीक है। मम्मी को अपना रूम भी दिखाएंगे और कुछ भी एक्टिविटीज करेंगे, देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है। अभी जस्ट उठ के नहा के तैयार श्यार हो के बस निकल रहे हैं, 9:30 हो गए। वैसे कल रात को ही मैंने मम्मी को बोलता, मैं कहा मम्मी चलेंगे, मम्मी कह रहे ठीक है, अगर सुबह टाइम से उठ गए और मतलब मन किया तो चले जाएंगे। तो सुबह उठ भी गई थी मैं अभी टाइम से, और मतलब 7:30-8 बजे नींद खुल गई थी मेरी। तो 9:30 हो गए, अभी हम तैयार हैं, मम्मी लॉक कर रहे हैं, और मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, देन उसके बाद नीचे जाके एक्टिवा निकालूंगी और एक्टिवा घनोली खड़ा के और आगे फिर अपने बस में चले जाएंगे। मिलते हैं फिर थोड़े से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मतलब कि नीचे जाके या घनोली या रोपड़ या फिर चंडीगढ़ ही देखते हैं कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो गाइज हम निकल रहे हैं अभी, और एक्टिवा भी निकाल दी मैंने, और इधर दूसरे क्वार्टर में जो आ रहे हैं ये मेरे दोस्त ही है, 10th करी है इसने मेरे साथ। और देखो मुझसे कौन मिलने आया, जर्मो भूल गया मुझे लगता, मम्मी है मुझे हैं आ जा आए। तो गाइज हमने यहाँ पे एक्टिवा खड़ा दिया। ओके गाइज, तो फाइनली मैंने बोला था ना हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, हम मिल रहे हैं 43, हम मतलब आप और मैं, हम तो इकट्ठे ही हैं। तो हम 43, और यहाँ से अभी हम लोकेशन, जिस लोकेशन पे जाना है वहाँ के लिए कैब बुक कर दी है, और बस यहाँ पे आ जाएगी कैब, भी यहीं पे खड़ते हैं थोड़ा। चाहो यार धूप भी, हमें आज गर्मी है ना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो 43 पहुँच गए हैं हम, और उधर उतरे थे, इधर साइड आ गए हैं, यहाँ पे कैब, यहाँ पे से लेंगे कैब। ये फ्रंट है, बैक पे भी आते हैं पर हम फ्रंट साइड आ गए, बैक वाला जगह दूर पड़ जाता है। तो यहाँ पे कैब आ जाएगी अभी, और हम जा रहे हैं पहले खाने पीने, पहले हम खाएंगे और फिर आगे का भी कुछ प्लान है, तो वो अभी मम्मी को बताते हैं थोड़ी देर में, अगर बोल दूंगी तो पता ही चल जाएगा। तो चलते हैं अभी। कैसे लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी घूमने चलते हैं यार, क्या है ना, घर पर भी तो सो ही रहना था, लेटे ही रहना था, तो इससे अच्छा है कि अपना घूमेंगे। घर में भी अब ज़्यादा जने होते तो ज़्यादा काम होता। हाँ, अब घर पे भी कोई आया नहीं है, पापा भी जा रखे हैं, भाभी भी और भाई भी नहीं है घर पे, तो हमने कहा यार अकेले अकेले क्या करना, घूम के आते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए जो हमारी डेस्टिनेशन थी। यहाँ पे हम पहले मम्मी को खिलाएंगे क्या, डोसा, डोसा खाने का मन था यहाँ का, तो हमने कहा पहले डोसा खाएंगे और फिर ना मूवी की टिकट करेंगे। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए लंटे पर। मम्मी क्या खाना है, मम्मी को क्या खाना है? वही डोसा, वही फेवरेट वाला डोसा। और देखो हम पहुँच गए मॉल, लंटे मॉल, पता ही है चंडीगढ़ का फेमस लंटे मॉल। हमने कहा आज यहाँ मूवी भी देखेंगे और डोसा भी खाएंगे। डोसा खाने का मन मेरा भी हो रहा था यहाँ का, और यहाँ का डोसा मम्मी को लास्ट टाइम बहुत पसंद आया था, है ना। तो चलते हैं ऊपर। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं और हमारा डोसा भी ऑर्डर हो गया है यहाँ से, यहाँ से डोसा आपसे हमने पहले जो खाया था वही खाना है ना अम्मा। हाँ। कैसे लग रहा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा। अभी तो हम मूवी देखने भी जाएंगे। नहीं सुना, नहीं सुना गाइज, मैंने एक चीज़ ऑर्डर करी थी, उसके बाद मुझे टेक नहीं मिली। मैं कहा यार, मैं कहा एक और ऑर्डर किया जाए, तो मैंने पहले ये ऑर्डर कर लिया, और दोनों ऑर्डर इकट्ठे ही आ रहे हैं, दूसरा भी तैयार है वहाँ पे आ रही हूँ। 2 सेकंड, क्यों आराम से क्यों लाना है? सजा के रखा हुआ, सीढ़ी लगा के रखी तब बोली आ गई हूँ। उठा के लेके, मुझे डर लग रहा था कि गिरे ना। कितना बड़ा बोलो, बहुत बड़ा था ना, तब मैं पहाड़ बन रखा था ना, मैं कहीं गिर ना जाए, आराम से लाना। गाइज ये देखो डोसा, मम्मी कह रहे आराम से लेके आना, मैं कहा ठीक है मम्मी। गाइज मैंने दो चीज़ें ऑर्डर करी थी, दोनों कट्ठे कट्ठे ही आई है, डोसा और एक रोटी और दाल। मेरे ही खाने का मन था, मम्मी ने खाना शुरू कर दिया, अब मैं खाना शुरू करूँगी थोड़ी देर में, पहला स्नैप जरूरी है। तो गाइज अभी खा पी के बैठ गया हम, अब सुस्ती आने लगी,
है ना, सोने का मन हो रहा है, अब सोने का मन हो रहा है, तो अब डायरेक्ट अभी चलते हैं, अभी आगे का प्लान भी बताते हैं आप। मैं सोच रही हूँ कि पहले यहाँ से रूम पे चलते हैं, रूम पे थोड़ी देर रेस्ट करके फिर वहीं पे साथ में जो मॉल है ना वहाँ पे चलेंगे, उनके साथ में है रूम पे, तो बस 10 मिनट का रास्ता है, 5-10 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ पे चलते हैं। गाइस खा पी के निकल गए हैं बाहर, और मैं किसी की फ़ोटो के बीच में आ गई। अभी निकल रहे हैं हम बाहर, और यहाँ पे ना 1 घंटा वेस्ट हो रहा था मेरा लिटरली। वैसे 2:15 की टिकट है उसकी, मतलब 2:15 की टाइमिंग है, मैंने कहा 1 घंटा ख़राब नहीं करना, इतना तो मैं अपने रूम के पे पहुँच के रेस्ट करके 3:15 वाली देख लेंगे, उस वहाँ से तो बहुत नज़दीक है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ नहीं देखनी, वहाँ देखेंगे मूवी। अभी हम बाहर निकलते हैं। ये फाले हुए हैं गाइस, ये देखो मेरे ऊपर कैसे चढ़ रहा है, ये मुझे जानता है, ये क्या नाम था इसका, सीज़र। हाँ गाइस मैं अपने सोसाइटी में पहुँच गई, और देखो कैसे जानते हैं मुझे, तो सीज़र हेलो तो कर दो, देखो मैं उसने मुझे देख रखा है ना, तो कैसे किया, हेलो सीज़र मीट मम्मा। तो गाइस हम पहुंच गए हैं रूम पे, मम्मी पूरा दायरा रख ले रहे हैं, अभी ये वाली बालकनी में आया, मम्मी घूम रहे हैं देख रहे हैं सारा, कैसे मम्मी, क्या दूसरी वाली बालकनी में चलते हैं, ये वाला तो एसी चला दिया है, बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ पे खड़ के मज़ा आ रहा है, यहाँ पे खड़ो मज़ा आएगा, यहाँ पे ठंडी हवा आएगी, देख रहे मम्मी। ये एक्स्ट्रा गद्दा है, मैं लेटती थी यहाँ पे, खराब मैंने ही कर रखा है, ये किचन इधर, हाँ यहाँ पे वैसे ही लेट जाते हैं कभी कभार, ये किचन, ठीक है ब्रेड गरम करेंगे, हाँ ब्रेड, ये मम्मी के दिए हुए गाइस, शुगर मैंने फेंके नहीं है, आज काम आ रहे हैं रसोई में, सच सही है, बस सही है, इसमें आता है, हाँ लड़की का है, मैंने तो ये वाला सेक्शन है मेरा, अच्छा रख रखा अपना सारा, अच्छा हाँ, बूंदी पड़ी है, कॉफी पड़ी है, मैगी है, आटा है, चावल उधर है, ये चावल है, बनाना है कुछ क्या, इतना खा रखा है, ठीक है। फ्रिज में पता नहीं क्या क्या रख रखा होगा, केक भी है, ये मेरा ब्रेड का पैकेट है, खाया ही नहीं बेचारा, ये बोतल ले चलते हैं पानी पीने, ठंडा ठंडा, हाँ आजकल टाइम नहीं मिल रहा, सफाई वाली से करवाना है पर टाइम नहीं मिल रहा ना आजकल, ये लड़की का ही है सामान सारा, ये है बड़ी बालकनी, टमाटर ये मैंने सोचा था वो खा लूंगी, लोकेशन अच्छी है ना, देखो मेन रोड है ये, मेन रोड है, हाँ यहीं से आए थे हम, हाँ वीडियो में दिखाई है जो मैंने, चलो एसी भी चल रहा है अंदर गाइस, एसी जला रखा है मैंने कि रूम ठंडा हो जाए, बाहर तो आज तो इतनी गर्मी लग रही है ना, लाइट नहीं है तो कितनी ठंडी हवा आ रही है ना, रात को तो एसी चलाने को, हाँ जी बिल्कुल, रूम ठंडा हो गया होगा, अब हो गया ठंडा, तो गाइस रेस्ट करके अब दोबारा निकल गए हैं, मैंने टिकट बुक कर दी थी मूवी की, और अब जा रहे हैं हम कहाँ, मूवी देख रहे हैं, और वैसे हम लेट हो गए हैं, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी सी मूवी निकल जाएगी शायद, थोड़ी सी 5 मिनट की, चलो आज ठीक नहीं हो जाना, तू बेचारा नजर का बड़ा जा, अब मेरे पग्गू को छे और आ पुत्र वाह सत्य हुण तेरे सुर पक दे पए, अच्छा सर जी, हां वैसे मैं दादा जी ने गाउंदा रहा जी, सुर तो हुण पक्के ही है, बस तुसी बोल दवा दियो,
मोहब्बत रास नहीं आउंदी कम दिलियां ते कायरां नूं, एक कुदरत बख्श दिंदी है आशिक ते शायरां नूं। तो हम मूवी देख के बाहर निकल गए। मम्मी बताएंगे कैसी थी मूवी, कैसी थी मम्मी? बहुत अच्छी थी, पंजाबी थी। पंजाबी मूवी देखी थी हमने, शायर बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आ गया। और हम लेट हैं तब भी हम यहाँ पे खड़े हैं, मतलब कि कितना टाइम हो गया, साढ़े छः से ऊपर हो गया टाइम, हम फिर भी खड़े हैं क्योंकि हमें मज़ा आ रहा है। अगर हमने वहाँ पर एक्टिवा ना खड़ाई होती ना तो हम रात यहीं रुक जाते। हमारे को क्या अपना कमरा है, पर मेरा तो मन कर रहा है कि जाना भी जरूरी है यार। घर कोई नहीं है ना घर पे, तो अकेले मतलब ऐसे जरूरी है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे खड़े हैं और ये देखो माता जी भी खड़े हैं। अभी उसको देखो, उसको बैठा है, वो हमेशा बैठा ही रहता है। है? है बहुत बड़ा है, ज़्यादा ही बड़ा है ना कुछ ज़्यादा ही है। तो गाइस चलते हैं अभी हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है अभी। और क्या कहते हैं, वहाँ पे एक्टिवा खड़ाई है ना, जो उसकी ज़्यादा दिक्कत है। अगर वहाँ पे एक्टिवा ना खड़ाई होती ना फिर कोई वो नहीं थी थोड़ा, पर चलते हैं अभी क्योंकि टाइम से पहुँच जाए तो अच्छा है। डायरेक्ट बस लेंगे, टाइम से पहुँच जाए। गाइस अभी हम 43 पहुँच गए हैं, अभी हम मतलब बैक गेट पर उतारा है कैब वाले ने, बस हम अब बस लेंगे और देन घर पहुंच जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम है घर पहुंचने में। बोलने के लिए है कि अभी बस लेंगे और पहुंच जाएंगे, है हमें 2 घंटे लगे, अभी तो 2 घंटे लगने हैं और लेट। चलो अब तो एक्टिवा खड़ी है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है ना हमें, नहीं तो थी थोड़ी सी टेंशन, बस मिल जाए। तो हमने बस में बैठ गया और हमको भूख भी लग रखी थी थोड़ी थोड़ी, वैसे मुझे तो नहीं है पर मम्मी को लगी थी। तो यार कुछ खाने का टाइम नहीं मिला, पर मैंने चिप्स लिए हैं और ये लिया है, माजा लिया है, तो पी भी लिया थोड़ी सी। तो ये खोलो मम्मी, मुझे भी अब लग रही है थोड़ी थोड़ी। घर जाके क्या बनाएंगे, मैं बना दूँगी, थैंक यू। क्या बनाएंगे देखते हैं, वहीं पर से कुछ ले भी लेंगे चाहे, है ना। तो गाइस फाइनली हम अपने स्टेशन में पहुंच गए हैं, यहाँ पे हमने एक्टिवा खड़ाई थी, चाबी भी निकाल ली है और मम्मी सो के आया है कि ना। मेरे को नींद नहीं आई अभी इस बस में, वैसे तो मुझे बस में नींद आ जाती है पर मैं फ़ोन पे लग रखी थी। तो अभी चलते हैं घर क्योंकि अभी खाने पीने का सिस्टम भी देखना है कैसा होता है। ये लॉक भी लगा रखा था मैंने, चलो गाइस बाद में मिलती हूँ मैं, पहले चलते हैं घर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं और हमने डिसाइड किया कि हम घर पे कुछ बनाने से अच्छा है, इतना लेट हो गया कुछ बनाने से अच्छा है, और सुबह मुझे निकलना है 7 बजे तो लेट हो जाएगा। दैट्स वाई हमने डिसाइड किया कि हम कुछ खा पी के चल जाएंगे। मम्मी ने बोला कि पिज़्ज़ा खाना है, मैं कहा ठीक है, पर मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं है। और मैंने जो मैंने खाना है वो मैंने पैक करा दिया, मम्मी का पिज़्ज़ा यहीं पर। मैं इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना। और अभी जो इंसिडेंट हुआ वो मम्मी बताएंगे क्या हुआ था हमें, पागल होते हैं लोग, क्या छोड़ना नहीं बताना। मतलब इतने ऐसे इंसिडेंट होते हैं पर मैं कई बार बताती नहीं हूँ। अच्छा एक इंसिडेंट था, मैंने वो बताया नहीं, वो आधा आधा ही हुआ था। जैसे मैं लास्ट जब आपके बर्थडे पे आ रही थी घर, तूने कुछ बोला था पर मैंने पूरा नहीं बताया, धक्का नहीं दिया था, धोखा दिया था। अच्छा हाँ, वो मेरे दोस्त ने भी बोला था ना तो मुझे याद आ रहा है। तो ना पता क्या किया, मैं ना बस में चढ़ गई, डायरेक्ट बस थी वो, ठीक है। तो मैं बस में चढ़ गई और मैंने ना उसे मतलब मैं बैठने लगी, 40% मतलब लगा लो कि 60% बस भरी हुई थी, 40 खाली थी वो, मैं बैठने लगी, नंगल की बस थी। तो उसने मुझे बोला कि नीचे जाके काउंटर से टिकट ले गया, मैं कहा ठीक है, अगर नॉर्मली ऐसे ही होता है भाई। वो बस ले गया, अच्छा बस ले गया वो, अच्छा मतलब उसने बस तोड़ ली, जैसे मैं नीचे उतरी
अपने बस मेरे को लेके, मैं कहा यार ऐसे धोखेबाज भी होते हैं भाई, तू ले जा मुझे टिकट तो वहीं पे काट ली, हमेशा यही होता है। पर यार लोग ना बहुत होते हैं कि वही मतलब देखते नहीं है दूसरे का, उसके चक्कर में मैं वो बस मेरी मिस हुई तो उसके चक्कर में मेरा पौना घंटा खराब हुआ। मैं यहाँ 8:30-9 बजे पहुँची थी, मैंने 7:30 पहुँच जाना था। तो देखो ऐसे भी लोग होते हैं, तो यार क्या ही बोल सकते हैं हम किसी को। फिलहाल हम दूसरी बातें छोड़ के अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करेंगे जो आएगा, और उसके बाद घर जाके रेस्ट करेंगे। हमारा पिज़्ज़ा आ गया, मम्मी जी खाओ आपका पिज़्ज़ा लो ये। तो गाइज आके हमने चेंज वेंज करके जो खाना था वो खा लिया और अभी हमने फ्रूट्स काटे हैं, और मेरा कीवी खाने का भी मन कर रहा था। मम्मी तो कह रही थी कि लेट जाते हैं सो जाते हैं, मैं कह नहीं पहले फ्रूट खाने हैं फिर सोएंगे, तो कीवी खाऊंगी और पपीता खाऊंगी और ये थोड़ा थोड़ा खा लेंगे बस। चलो थक गया आज तो बिल्कुल, बोलने का भी मन नहीं कर रहा। थक लग गई और गर्मी भी ज़्यादा है आज, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आते सबसे पहले मैंने आज एसी चलाया घर पे, अभी तक घर पे एसी नहीं चला था ना, आज चल गया मैंने चलाया। आज सबसे ज़्यादा गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप भी थी ना, ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा धूप थी आज। चलो गाइस फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। संडे को तो मैं व्लॉग बनाऊंगी बनाऊंगी, और मंडे को व्लॉग आ भी जाएगा, मंडे को नहीं भी आएगा तो ट्यूसडे को तो आ ही जाएगा, और बीच में भी व्लॉग आते रहेंगे, जैसे कि अभी पहले वाले व्लॉग 2-3 पड़े हैं तो वो भी बीच में आते रहेंगे। पर इतना है हाँ कि चैनल पे मंडे या ट्यूसडे व्लॉग डलेगा ही डलेगा, संडे को तो मैंने कुछ ना कुछ फन करना ही करना है ना हमें, तो ऐसे नहीं कि चैनल छूट गया या कुछ। ठीक है ओके बाय, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में अगले संडे को। तो गाइस ये नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह उठ के मैं तैयार हो गई हूँ, और पता नहीं कैमरा साफ है नहीं है, कोई बात नहीं अब चलने देते हैं। तो क्या कहते हैं लौट के तैयार हो गई हूँ, अभी ना 6:40 हुए हैं, 7 बजे बस आती है, 7:05 पे की 10 पे आती है डायरेक्ट 43 यहीं पे आती है कॉलोनी में। तो मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी चलो आप भी छोड़ आओ, और सुबह सुबह मैं तो फ्रूट खा रही हूँ, भूख लग रखी है। नहीं मम्मी मम्मी रोटी खाने तो खा ले, नहीं भूख तो नहीं, पर मतलब अपने सुबह सुबह खाए बिना रहा नहीं जाता, चले चलते हैं बस खाओ।